हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तार में फंसे नीलगाय का किया सफल रेस्क्यू। करीब 7.5 घंटे चला रेस्क्यू। करीब एक सप्ताह पहले एक नीलगाय के गले में फंसा था तार का फंदा। रेवदा कस्बे के धोलकिया हनुमान मंदिर के आसपास पड़ी गोचर भूमि में करीब एक सप्ताह पहले एक नीलगाय के गले में तार का फंदा फंसा हुआ देखा गया था। नीलगाय के गले में तार निकालने के लिए गांव के लोगों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद उक्त नीलगाय को गोचर भूमि रेवधर में देखा गया। उक्त नीलगाय के गर्दन में तार का फंदा होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी, जिस पर वन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी सिरोही लक्ष्मण राज ने उप वन संरक्षक सिरोही सोनल जोटिहार ने जोधपुर वन्य जीव रेस्क्यू टीम को बुलाकर मौके पर पहुंच रेस्क्यू टीम के ट्रैंक्विलाइजर कर्ता बंसीलाल और राजू सिंह काफी मशक्कत के बाद ट्रैंक्विलाइजर गन से बेहोश कर नीलगाय नर के गले का फंदा काट कर निकाला गया एवं सुरक्षित स्थान पर नीलगाय को छोड़ा गया। उक्त नीलगाय को टीम व समाज सेवियों द्वारा सुबह 9:30 बजे से पकड़ने की कोशिश जारी थी, जिस पर शाम 5 बजे के लगभग काफी मशक्कत के बाद नीलगाय को बेहोश कर पकड़कर तार के बंधन से मुक्त कर राहत प्रदान की। उक्त कार्रवाई रेंज सिरोड़ी के स्टाफ राजा राम वनपाल, अजय कुमार वनपाल, वन रक्षक राम निवास, भागीरथ निम्बा राम, कान सिंह कुया राम, वेटरनरी डॉक्टर हितेश माली, समाज सेवी रणछोड़ पुरोहित आदि का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। 15 मिनट लगभग लगेंगे उसको बेहोश होने में, फिर उसका फंदा निकाल के वापस एंटीडोज लगा के रिलीज कर देंगे। आपको मैसेज किन के थ्रू मिला? यहाँ सिरोही डीएफओ मैडम ने मैसेज किया था हमारे डीएफओ साहब को, महेश चौधरी जो। कब जो कब कब मैसेज हुआ आपको? कल शाम को 4:30 बजे के लगभग जी। और आप फिर तुरंत वहाँ से रवाना हुए? हम वहाँ से रवाना हुए तो हम रात को 11-12 बजे लगभग पहुँचे थे यहाँ पर। जागरूक टीवी के लिए रेवदर से विक्रम कुमार की रिपोर्ट।